तुम जहाँ भी बैठ के जाते हो, जिस चीज को हाथ लगाते हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ। तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज भी आपके दिल में फांस की तरह छुप रही है? बस जी, क्लिफ्टन में एक जाती सा बंगला हो, बस यही एक ख्वाहिश है। वेल, आई रियली होप कि आपको क्लिफ्टन में आपका जाती सा बंगला मिल जाए। अच्छा सुन, मैं भी आती हूँ। सुन 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 सुन, रेडियो लगा दे। अभी थोड़ी देर में ही सुनेंगे आप अपनी पसंद का सॉन्ग। फिलहाल अल्लाह हाफिज। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उन्हें ये बता दें कि हमारा आज का टॉपिक है पर्सनालिटी लव। लेट्स गो टू अनदर कॉल एंड लेट्स सी हु इज ऑनलाइन एंड व्हाट दे वांट टू से टू अस। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? रशीदा अजीज। यू टेल मी रशीदा, आपके ख्याल में इंसान को मोहब्बत उसकी पर्सनालिटी से करनी चाहिए या फिर उसके दिल का पास होना चाहिए? देखिए, वैसे तो मोहब्बत इंसान से ही होनी चाहिए, लेकिन वैसे आपको तो पता है ना कि औरत आइडियल बनाती है, इसलिए थोड़ी बहुत पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए रशीदा, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज, अगर मर्द इस काबिल नहीं है कि वो ग्लैमर के लिए फैशन कर सके, मर्सिडीज गाड़ी रख सके, इम्पोर्टेड ब्रांड का मिनरल वाटर पी सके, तो शायद वो औरत की मोहब्बत के काबिल नहीं हो। देखिए, ऐसी बात नहीं है, अगर दिल आ जाए तो फिर ये चीजें अहमियत नहीं रखती। थैंक यू रशीदा। अब आप ये बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी? ये सज्जाद अली का गाना सुना दें तो बहुत अच्छा होगा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद। तुम्हें क्या हो गया? ये बातें तो